बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नादिन शाहिद जमील मिनहास प्रोग्राम कामयाब लोग में आपके बिल्कुल पास। नादिन, हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम मजर शहजाद ख़ान साहब। आप एडिटर हैं 15 रोज़ा न्यूज़ के। बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और अच्छा लिखते हैं, और मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया इनको टीवी स्क्रीन पर अक्सर देखती रहती है। मारूफ कार्टूनिस्ट हैं आप, और पीटीवी न्यूज़ का एक बहुत ही प्रोग्राम, तो इन्होंने बहुत सारे किए, लेकिन लाख के नाम से एक प्रोग्राम था जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुआ, कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम था। इसके अलावा बहुत सारा काम करते हैं, शायर हैं, अदीब हैं, और शायरी भी बहुत कमाल की करते हैं। बहुत सारे बातें इनसे करनी होंगी, लेकिन चूँकि वक्त की किल्लत है तो हम सीधा बातें इनसे करेंगे। और आज का हमारा प्रोग्राम का मौजू है हौसला अफजाई के असरात। उमूमन ऐसे मौजूदात पे टीवी चैनल्स बहुत कम जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पढ़े लिखे लोग आते हैं, तहजीब याफ्ता लोग आते हैं, तो हम ऐसे प्रोग्राम अक्सर करते रहते हैं। और साथ ही आपको ये बताता चलूं कि हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सादिया कमाल। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल प्रेस क्लब की, और बहुत मज़े की बात आपको बताऊँ कि आप PhD हैं और पहली PhD हैं सराइकी में, और आपने ख्वाजा गुलाम फरीद पे जो है वो अपना सारा मकाला लिखा, बहुत कुछ काम किया। और मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत पे काम करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत प्यारी बातें करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, और अक्सर आप इनको सुनते भी रहते हैं। मैं आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदेद कहता हूँ। मदर शहजाद साहब, हौसला अफजाई असल में है क्या, थोड़ा सा आप बताएँ नाज़रीन को। उमूमन हम इसको आगे पीछे करके कुछ और सेंस में भी ले ले होते हैं। मैं सबसे पहले तो एक तस्दीक कर दूं कि लाग जो था वो प्रोग्राम नहीं था, वो एक ड्रामा सीरियल था 24 एपिसोड पे, और वो कश्मीर बेस्ड था, ठीक है। और उसमें मैंने हिंदू प्रोफेसर बाबूलाल अग्रवाल का रोल किया था, प्रोफेसर बारकालू जी का, और दैट वाज सिंबॉलिक करेक्टर ऑफ गांधी, महात्मा गांधी, कि उसमें वो कहता हूँ बच्चा होता है जिसको, कि मुसलमानों का बच्चा जो हम ले आते हैं, हम हिंदू होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये वापस मुसलमानों को दे दो, अगर नहीं दोगे अपनी वाइफ को कहता हूँ कि उनको दे दो, वरना ये वो भी तकलीफ में रहेंगे, हम भी, एंड दैट वाज कश्मीर, दैट बच्चा वाज कश्मीर। एक बड़ी ज़बरदस्त बात मेरे जहन में आ रही है कि अल्लामा इकबाल अपने बेटे को कहते थे कि बेटा, जावेद इकबाल जब छोटे थे, कि डॉन अखबार पढ़ा करो, ठीक है, ताकि तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी हो, और जब तुम पढ़े लिखे बन जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे इनाम भी दूंगा, बहुत सारी चीज़ें भी दूंगा, तुम्हें साथ साथ में गिफ्ट देता जाऊंगा। जावेद इकबाल साहब ने खुद मुझे बताया, मरहूम ने, मेरी उनसे मुलाकातें रहीं, कि उनकी जो हौसला अफजाई थी वो जिस तरह मुझे बकअप करते थे चीज़ों पर, कि क्या बात है। कोई मैं अपनी मिसाल देता हूँ जी, मैं पक्की या दूसरी पहली जमात में पढ़ता था, और मैं कल परसों भी बेटे को बता रहा था कि मैं तख्ती लिख रहा था, बड़े खुश खत, मेरा खुश खत होता था हमेशा, क्योंकि मैं मुसव्वर भी हूँ, पैदाइशी मेरे अंदर ये चीज़, आप ब्रॉडकास्टर भी हैं, जी हाँ, सारा मतलब मुसव्वर भी हूँ और सारा, तो वो मैं लिख रहा था, तो वालद साहब आए बाहर से, तो उन्होंने, माय फादर वाज अ टीचर, उन्होंने देखा ना कि बड़ी अच्छी तख्ती लिख रहा है, तो उस ज़माने में एक होल वाला सिक्का होता था जो अब नायाब है, उस ज़माने में वो 50s में बना था, अब बर्निंग 60s, अर्ली 60s, तो वो जैसे पोलो हल्की होती ना ट्रॉफी, इस तरह वो सिक्का होता था, ठीक है, तो वो उन्होंने वहाँ से फेंका जो टन करके मेरी तख्ती पे लगा, और मैंने वही तख्ती छोड़ के उठ के दौड़ लगा दी दुकान पे, उस एक पैसे की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी उस ज़माने। क्या बात है, क्या बात। तो वहाँ से अच्छा, फिर ये था कि मैंने शोर शायरी जब शुरू की तो वाला साहब मुझे हमेशा कहते थे कि यार ये बड़ा अच्छा तू काम करता है, मतलब लिटरेचर से मुतलका, मतलब मैं तो वहाँ से मेरे अंदर, देखें होता क्या है कि टैलेंट इंसान के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसको पॉलिश करने वाला कोई और होता है। जब अगर कुछ अच्छा पॉलिश करने वाला मिल जाए, अच्छा उस्ताद मिल जाए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने फैज साहब के साथ भी मुशायरा पढ़ा, उनके जूते सीधे किए, मैंने फराज साहब मेरे जाती दोस्त थे, बड़े नाम है, परवीन शाकिर के साथ मुशायरे PTV पढ़े, वैसे पढ़े, तो उनसे सीखा, और वो हमें दाद देते थे हमारी नालायक चीज़ों पे भी। अच्छा मदर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हौसला अफजाई सबसे पहले बचपन में अपने घर से मिली। जी बिल्कुल, घर से और बहुत अच्छी मिली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि जब हम बात करते हैं ऑफिस में, आप बड़े ग्रेड में बैठे हुए हैं, आपसे नीचे छोटा को बैठा हुआ है, इसी बात है, ऐसे इंसान ऊपर आता जाता है,
तो वहाँ पे हौसला अफजाई क्या कुछ कर सकती है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, हौसला अफजाई और बाज़ औक़ात इसका जो अपोजिट जो भी है, हौसला शिकनी कह लें, बस मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन हौसला शिकनी कह लें आप, वो बड़ी तकलीफ देख होती है और टैलेंट दब जाता है जब आप घर में भी देख लें, बच्चे को कहते हैं तू बड़ा नालायक है यार, तू पढ़ता नहीं है, तू बहुत नालायक है, तू बहुत नालायक है, वो वाकई नालायक हो जाएगा। अब मिसाल देते हैं गांव में कि एक बंदे के पीछे लग जो पत्थर उठा के पागली चार दिन बाद बाकी वो पागल हो जाएगा जब सारा गांव पीछे लगा होगा। बहुत मजे की बात आपने कहा। पश्तो जबान में एक बड़ा मशहूर उनका मकूला है कि गांव वाले पागल को पागल कहते हैं और पागल गांव वालों को पागल कहता है। ठीक है, बात यह होती है चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, मसलन एक बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो गए हैं, 72 साल के हैं, वो लेटे हुए हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, अगर बेटा थोड़ी देर जाकर उनके पास बैठे, उनका हाथ पकड़ ले और कहे बाबा आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, क्या बात है जी, क्या बात है, कहां से कहां पहुंचा दिया बाबा जी, और ये आपका एहसान है हमारे ऊपर, वो बाबा उठ के बैठ जाएगा, उसकी आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब यकीन, यहाँ पे एक नुक्ता हमारे सामने आता है कि हौसला अफजाई इतनी बड़ी चीज है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम दूसरों को जिंदगी दे सकते हैं, यकीनन दे सकते हैं। बड़ी प्यारी बात आपने कर दी कि एक शख्स जो कि बिल्कुल बिस्तर मर्ग पर है, आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो खुश होगा और खुशी जो है इंसान को बहुत सारे दिन मजीद दे दिया करती है। अच्छा मैडम, आपसे बात करता हूँ डॉक्टर सारिया कमाल, जब हम एक खातून की बात करते हैं, जब एक औरत की बात करते हैं और ख़ास तौर पर इस मुल्क पाकिस्तान की औरत की बात करते हैं, तो आप तो बिल्कुल क्लियर कट बताएं कि क्या हौसला अफजाई आपके लिए कहीं भी मौजूद है या टांगे खींचने वाले या हौसला शिकनी करने वाले लोग ज्यादा हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कि पब्लिक आईटीवी में आपने इस तरह के मौजू का इंतखाब किया, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सोसाइटी में देख रहे हैं और ओवरऑल हमारे जो मीडिया का इस वक्त जो पैटर्न बन चुका है वो ये है कि आप सियासी प्रोग्राम तो ज़रूर करेंगे, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, लेकिन आपका एक चंक है कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, एजुकेट द पीपल इन्फॉर्म द पीपल, तो आप वो नहीं दे रहे आगाही लोगों को। तो ये आपने जो मौजू चुना हौसला अफजाई, ये आजकल हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, जिसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं, और ये एप्रिसिएशन वो होती है जिससे दूसरे को मोटिवेशन मिलती है और उसको लगता है कि अगर उसके काम को इस तरह से सराहा गया है, तारीफ की गई है उसकी, तो उसका सेरों खून भी बढ़ जाता है। तो वो ये नहीं है कि हम औरत की बात करें कि औरत के उसमें खाने में सेट करें, क्योंकि अमूमन घरों में ये होता है कि बेटों को हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि बेटे कमाएंगे, रोजगार होगा, तो इकोनॉमिकली इम्पावर्ड से हम जोड़ देते हैं। तो हौसला अफजाई जो होती है वो लड़कों की ज्यादा की जाती है और लड़कियां जो हैं उन्हें शायद घर के कामों काजों और उस पर लगा दिया जाता है, हालांकि अब देखें तो जिंदगी का पैटर्न किस कदर तब्दील हो चुका है और उसमें दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों मिलके कमाते हैं, तो एक अच्छा लाइफ स्टाइल उनका जो है, और जिस तरह से अब देखा है कि किस तरह से दुनिया भी ग्लोबलाइजेशन है, हमारी वो चीज़ें जो हमारी ख्वाहिशें होती थी अब वो सब हमारी ज़रूरियात बन चुकी हैं। तो इसी तरह से सिर्फ ये नहीं है कि हम कहें कि ख़वातीन के लिए, बल्कि मैं समझती हूँ हर जिंस के लिए हौसला अफजाई ज़रूरी है, उनके लिए भी नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी ज़रूरी होती है कि अगर किसी ने घर में कोई कुत्ता रखा हुआ है और वो कोई इस तरह से अच्छा काम करता है तो वो उसकी भी करते हैं। अक्सर लोगों ने आपने देखा है कि बंदर जब डुगडुगी बजाते हैं तो बंदर भी नाचता है तो उसको सराहा जाता है कि भाई वो और ज़्यादा जो है इस तरह से अपना तमाशा दिखाए। तो हर शोबा ज़िंदगी में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसको समझने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता, हम ये समझ लेते हैं बीइंग सीनियर कि ये इसका काम है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये तो क्यों क्यों हम इसकी हौसला अफजाई करें। हालांकि आप थोड़ी सी शाबाश दे देंगे तो वो उसकी जो है वो काम में और ज्यादा निखार आ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा वो करेंगे तो वो उसकी डिवोशन जो है। नाज़रीन, छोटी सी बात करता चलूं कि आपकी बात काट रहा हूं, हजरत के हौसला अफजाई एक छोटे बच्चे से लेके 100 साल तक के बुजुर्ग के लिए इंतहाई जरूरी है। मैम की बातों से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये मतलब जो है वो निकल रहा है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ ब्रेक ले लें, ले ब्रेक।
जी सादिया कमाल, आप कुछ कह रहे थे। जी, हौसला अफजाई के हवाले से हम ब्रेक में पे जाने से पहले बात कर रहे थे, तो हौसला अफजाई इस कदर ज़रूरी है कि एक बच्चे से लेकर हम बात कर रहे थे कि अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है, और ये टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो बच्चों की हौसला अफजाई करें, और ये भी है कि वो बराबरी की बुनियाद पर भी करें। ऐसा भी ना हो कि एक ही हौसला अफजाई ज़्यादा हो जाए और दूसरा कम हो जाए। उसके अलावा घर में जैसे माँ होती है वो अपने बच्चों को इक्वल लेवल पे ट्रीट करे, बेटे हों, बेटियाँ हों, वालिद हो, और इसके अलावा साथ साथ उसका जो एनवायरनमेंट होता है, और जब उसके बाद जब आप अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर किसी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। और अक्सर ये होता है अगर छोटे बच्चों की इस तरह से हौसला अफजाई ना की जाए तो उनकी शख्सियत टूट फूट का शिकार हो जाती है, और वो माशरे में जो अहम शहरी बनकर अपनी काबिलियतों और सलाहियों तो के बलबूते पर आगे जो किरदार अदा करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता। लेकिन मिनहाज साहब, हमारे इस सोसाइटी में कालमी है ये हो ये रहा है कि हौसला अफजाई तो दूर की बात है, हम तो बल्कि इस कोशिश में रहते हैं कि किसी के भी काम में हमें कीड़े निकालना, तनकीद करना, नाम रखना, किसी से भी शिकवा करना, गिला करना हमें हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तो ये चीज जो है आपके कहने का मतलब ये कि तनकीद आसान हो जी नहीं है नहीं। जी तनकीद बराए तनकीद ही की जा रही है, और उसके सब लोग जो हैं जिस तरह से मिल जाती हैं करती हैं, तो हौसला अफजाई जो है विद इन मतलब आपके ग्रुप में भी आपकी सब चीजों में हर सतह पर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो पेयर्स हैं वो भी हौसला अफजाई करें। अगर आपकी जिंदगी में जैसे मियां बीवी का जब रिश्ता होता है, और जो मियां बीवी जब एक ही फील्ड में हो या फिर एक ही लेवल पे हो या एक ज्यादा उस पे लेवल पे, उस पे भी हौसला अफजाई की बहुत ज्यादा जरूरत आती है। जब आप एक दूसरे को इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं तुम कमतर हो, मैं ज्यादा हूं, या इस तरह से, तो फिर वहां पर ये चीजें बनती हैं। जब सीनियर में वो क्वालिटीज और वो चीजें नहीं होती, और खासतौर पर दफातर में हम देखते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं अपने जूनियर से, तो वो चीज भी जो है वो कहीं ठीक नहीं होती, और वो हमेशा इस लेग पुलिंग में और इस चीज में रहते हैं। तो वहां पे भी हमें समझना है कि कहाँ पे जिस बंदे की जो खूबी है, जो उसका काम अगर वो अच्छे तरीके से कर रहा है, हमें उसे सराहना है, हमें उसकी तारीफ करनी है। धन्यवाद की नाज़रीन, देखें कि ये इल्म के बड़े खूबसूरत मोती हैं जो आपको चुनने होंगे। बड़ी खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। मदर शहजाद साहब, मैं आपका भी कुछ चाहूँगा कि इसमें हिस्सा डालें और नाज़रीन को बताएं, और तो अपने तजर्बात से हमें शेयर करें सब कुछ। मैं सबसे पहले तो अपना एक ज़ाती तजर्बा बयान करता हूँ। ये बात मैंने सीखी थी तारड़ साहब से, मुस्तफ़ा तारड़ से, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनसे सीखी थी। उन्होंने कहा कि पौधों से गुफ्तगू किया करो। मेरे घर में लॉन में गुलाब के चार पौधे लगे हुए, एक जो मुझे पसंद है जो पहले वाला है उसके साथ मैं बैठ जाता था, उसके पत्तों को छूना, टच करना,
प्यार करना, चूमता था मैं उनको और गपशप लगाता था कि कैसे हो तुम, ठीक हो, और यार बस इस दफा फूल ज़रा ज़्यादा देने हैं। बिलीव मी, जब फूलों का मौसम आया तो उस पौधे पे सबसे ज़्यादा फूल थे और वो खूबसूरत और बढ़ता जा रहा था, बाकी उस रफ्तार से नहीं, बढ़ जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा था। इसी तरह मैंने लास्ट ईयर घर में सुहाजना का लगाया, मोरिंगा का, वो बिल्कुल छोटा सा, मैंने अपनी वालदा के नाम का। अच्छा, अभी मैं एक और यहाँ पे एक बात भी कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा 14 अगस्त को बेशक झंडियाँ भी करें, सब कुछ भी करें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के नाम का हर बंदा एक एक पौधा लगाए तो हम कितने खुशहाल हो सकते हैं। ये एक मैसेज है जो मैं कन्वे, और इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा लगाए जाएँ, और हमारी जरताज गुल से भी मीटिंग हुई, वो भी यही बात होती है कि वहाँ पे के दरख्तों को अहमियत दी जाए और अपनी माँ के नाम का लगाएं, पाकिस्तान का, धरती माँ। अच्छा, आगे चलते हैं जी, बड़ी मज़े की बात आपको बताता हूँ। आपको 65 की जंग याद है, उसमें क्या था, उस वक्त हमारी इतनी बड़ी तैयारी नहीं थी, हिंदुस्तान के पास बहुत कुछ था, लेकिन एलिया ने, लाहौर ने उस अफजाई की सड़की और डंडे सोटे लेके चल पड़े जी, जिसके हाथ में जो आया चल पड़ा, बेलचा है चाहे कुल्हाड़ी है चाहे छुरी लेके चल पड़े थे, हमारी फौज का मोराल अप हुआ। और फिर साथ क्या था, मैडम नूर जहान के खूबसूरत गाने, खान साहब मेहदी हसन साहब के गाने, गुलाम अली साहब के गाने, उससे इंडिया वालों को खौफ तारी हो जाता था जब वो ए पुत्र हटाते नहीं निकले, तो खौफ तारी हो जाता था उनके ऊपर, तो जंग खेड़नी होती जनानियाँ दी, क्या मतलब खूबसूरत गाने थे। तो हौसला अफजाई जो है ये इंसान को कुएं में से भी पैर निकाल के ले आती है, ये ऐसी चीज़ है। जैसे अभी मैंने पौधे की मिसाल दी थी, मैंने मेरी आंखों के सामने ये वाक्य है, मैं हैरान हो गया। आपके घर परिंदे आते हैं, आप किसी एक परिंदे के साथ गपशप शुरू कर दें, वो रोज़ आएगा आपके पास, यकीन कर लें डेली। मेरे टेरस पे एक बिल्ली है, वो जब आती है, मैं और भी हैं लेकिन एक है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको मैं कभी दूर डाल देता हूँ, कभी उसके साथ गपशप, आज भी मैं उससे गप्पे लगा रहा था, वो हर वक्त आती है, दरवाज़ा खुला भी वो घर के अंदर नहीं आती, खुला भी हो टेरेस का दरवाज़ा वो अंदर नहीं आएगी, दरवाजे में खड़ी रहेगी, आवाज़ें लगाएगी, हम जो ही खाने की टेबल पे आएंगे वो आगे बाहर बैठी रहेगी और बोलेगी नहीं, हम समझ जाते हैं अब इसको खाना, इसने भी खाना। अच्छा, मतलब ये बताएं कि जो हमारे हुक्मरान हजरात हैं, खवातीन हों या कुछ भी हों, उसे अपने रियाया की, आवाम की हौसला अफजाई कैसे करनी होगी? अवाम की, देखें जी, अवाम की हौसला अफजाई नहीं, अवाम को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि अवाम को उनके, हम एक और बड़े, हम जल्दबाज कौम है, हम फौरी कहते हैं जी रिजल्ट, और जी इमरान खान साहब आए हैं या नवाज शरीफ साहब आए हैं या जरदारी साहब आए, हमें फौरन रिजल्ट चाहिए। कोई दुनिया में फौरी तौर पर कोई रिजल्ट नहीं आता, टाइम लगता है हर चीज़ का, कुछ लोग लॉन्ग टर्म मनसूबे रखते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म रखते हैं। अच्छा देखें ना, ये फौरी रिजल्ट जो हम मांग रहे हैं, इसके लिए हमारी हौसला अफजाई होनी चाहिए ना, ताकि हम फौरी रिजल्ट ना मांगें। नहीं नहीं, देखें, हाँ वही, वो देखें ना, एक तरबियत की ज़रूरत है। ये मैं आपको एक प्रेजिडेंट मुशरफ साहब से मैंने बात की, हम जा रहे थे मुजफ्फराबाद, तो मैंने उन्हें कहा जी कि कौम को एजुकेट करना, मैंने उनको मिसाल दी थी महातीर मोहम्मद साहब की, वो बाकायदा हर इतवार को कौम से ऐसे ख़ताब करते थे जैसे अपनी औलाद से ख़ताब किया जाता है, अपने बच्चों से ख़ताब किया जाता है, उनको छोटी छोटी बातें, मतलब उनको कपड़े सुखाने का कल्चर चेंज हो गया वहाँ पे, घर के गमले साफ रखो। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब कि तरबियत कौम की, तो वो कहते हैं कि हमारा काम तो नहीं इनको तरबियत देना। मैंने कहा जी है, मैंने मिसाल क्या दी कि सेक्रेटेरिएट में जब छुट्टी होती है, आज भी आप चले जाएँ वहाँ पर, दो क्यू बनी होती है, एक खवातीन की एक मर्दों की, वैन आती है जितने बैठ के चार पट्टी पे, दूसरी वैन आती है, यही लोग रावलपिंडी में स्टेशन पे दस्तों गरीबान होते हैं, वजह क्या, वहाँ उनको बताया गया कि ये डिप्लोमेटिक एरिया है तो प्लीज़ आप थोड़ा क्यू में, क्या बात है, वो यहाँ से आके तो तरबियत, आप तरबियत दें उनको, उनको बताएं कि नहीं आपने यहाँ पिंडी भी दस्तों गरीबान नहीं होना, आपने लाइन में रहना है और गाड़ी में सवार होना है, जैसे अब मेट्रो में लोग खड़े होते हैं आराम के साथ लाइन में खड़े होते हैं, तरबियत होगी ना, एक बहुत मजे की मोटरवे पुलिस तरबियत थी, एक अच्छी तरबियत थी, एक और उसकी हौसला अफजाई की गई उनको। देखें मोटरवे पुलिस का मैं चूंकि उसमें शामिल था एक तरीके से, मैंने उनकी यूनिफॉर्म डिज़ाइन की, उनके लोगो डिज़ाइन किए शुरू में, जब काफ़ी सारा और मेरी कई चीज़ें उसमें शामिल हैं, तो उनकी हौसला अफजाई की गई कि आपने, आपकी सैलरी इतनी है, अच्छी सैलरी दे रहे हैं आपको, आपने कोई बदतमीजी नहीं करनी, किसी का चलान नहीं करना, उनको बाकायदा हर महीने बाकायदा लेक्चर दिया जाता था और उनको बखत किया जाता था कि आप अच्छे लोग हैं, उनको बताएं, आप बताएं, आप एक बंदे को रोजाना बताएं कि आप यार। अच्छा एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आप किसी को कहना यार तू बड़ा कमज़ोर हो गया,
दूसरे दिन फिर के यार तू बहुत कमजोर हो गया यार, क्या चक्कर है, वो बेचारा पागल हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत बुरी बात है। आप जरा सा अच्छा एक और चीज जो मैं अक्सर करता होता हूँ, जैसे आज आपने टाई बड़ी अच्छी लगाई हुई, मैं यही मैं काम करता हूँ, आप यकीन करें हमारे बीटीवी पे जितने एंकर हैं जब मैं मिलता हूँ मैं कहता हूँ यार सच नाइस है यार आज बड़ा जबरदस्त लग रहा है, ये मेरी आदत है। खवातीन जो हमारी बेटियां बहने माओं हमारी एंकर हैं ये जो भी है कि आज तो बहुत अच्छी लग रही है, भाई क्या खास बात है, वो चाहे उसकी तबीयत खराब भी हो अच्छी हो जाएगी, क्या बात है, छोटी छोटी बातों पर ये अच्छा ये सदका जारिया है, बेशक ये इस्लाम ने बकायदा इसको सदका जारिया कहा। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, मुस्कुरा के बात करने पे आपकी कोई पैनी तो नहीं लगती, कोई पैसा तो नहीं लगता ना, आप मुस्कुरा के बात करें अगले की हौसला अफजाई करें, यार बड़े अच्छे लोग, अल्लाह ताला की जात खुश हो जाएगी, अल्लाह की जात खुश। मैम ये बताएं कि आपने पीएचडी किया सराइकी में और फिर बड़ा मुश्किल काम है ये पीएचडी, चंद गिने चुने लोग होते हैं नाजरीन किसी भी मुल्क में जाके देख लें, तो इस दौरान आपकी हौसला अफजाई हुई या खुल के बताएं किसने हौसला अफजाई की? अच्छा सबसे पहले तो ये है कि आपको घर से ही वो मिलती है हौसला अफजाई ना, तो मेरे पढ़ने के अमल को जो है मेरी वालदा बहुत पसंद करती थी और वो चाहती थी, तो उसमें उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मेरी वालदा ने सपोर्ट किया, मेरे वालिद ने भी किया, मेरी दादी माँ जो थी वो इकोनॉमिकली इम्पावर्ड थी तो उन्होंने भी इस तरह से मुझे जो है हौसला अफजाई की। अक्सर जो लोग थे वो तो हौसला शिकनी करने वाले थे और क्रिटिसिज्म और इस तरह से भी था, चाहे आपके इन्वायरमेंट में आपके रिश्तेदार भी होते हैं आपके हमसाए भी होते हैं, मतलब इस तरह से कि एक लड़की जो है उसको इस तरह से पढ़ाना और इस हाई लेवल पे पढ़ाना और इतना इन्वेस्टमेंट करना, और तो, मैडम उसके बाद आप चैलेंज भी तो ले लेती हैं ना। चैलेंज ले लिया जाता है लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर आपको मिल जाता है जो कि आपकी हौसला अफजाई करना चाहता है, जो जो करते हैं लोग आपकी हौसला अफजाई, तो मुझे भी ऐसे कई लोग जो हैं असातिज़ा भी जो मुझे मिले हैं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कुछ करना चाहती हो तो हम तुम्हें सपोर्ट कर देते हैं, तो ये सपोर्ट करना भी उस हौसला अफजाई की जुमरे में आता है। तो इसी तरह से मतलब मैंने एक तरह से माइग्रेशन कहना चाहिए कि मैंने सराइकी रीजन से माइग्रेशन जो की वो कैपिटल की तरफ की इधर आके, हालांकि यहाँ पे आना उस तरह से बहुत मुश्किल था और एक फीमेल का और फिर मीडिया में तो वो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मीडिया में जब आप बीइंग फीमेल होते हैं तो लगा हमेशा ये तसव्वुर किया जाता है बीइंग फीमेल एज एन ऑब्जेक्ट एज आपको एक सिंथ के तौर पे लिया जा रहा है और आप काम कर रहे हैं, जबकि आपकी जो क्वालिटीज होती हैं या जो आप हार्ड वर्कर होते हो जो जो आपका पैशन होता है मतलब वो कई चीजें, खैर मैं ये समझती हूँ कि हमें हमारे सीनियर्स को हमारी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमारे पेयर्स को, और ये जरूरी नहीं है, सम टाइम ऐसा होता है हमारे जूनियर्स भी कई ऐसे सेंसिटाइज्ड होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनका एक्सपोजर होता है ग्रूम्ड होते हैं, वो भी जो है आपकी हौसला अफजाई का सबब बनते हैं, आप उनसे भी चीजें जो है वो ले रहे होते हैं। ये तो हमारे यहाँ इस तरह की बदकिस्मती से चीजें हैं जबकि हमारा मजहब इस तरह से नहीं है, और हम मतलब मैंने अमेरिका का विजिट किया वहां पर लोग जिस तरह से छोटी छोटी बात पर वेरी गुड थैंक यू मतलब इस तरह से करके वो आप अगर कोई काम करें कोई चीज दे रहे हैं उन्हें तो कहते थैंक यू, अगर आपने वो गुजर रहे हैं और आपने रास्ता छोड़ दिया उनके लिए कहते थैंक यू, मतलब आपको अच्छा लगता है कि आपने एक अच्छा काम किया, तो आपकी आगे के लिए हिम्मत होती है, एक हौसला अफजाई नहीं है कि आप फिर हिम्मत मांग लेते हैं कि मैंने मतलब ये एक अच्छा अमल है और मैंने इस तरीके से करना है, तो वो चीजें जो है वो हमें मुझे तो वहां पर बहुत इस तरह से नजर आई वो चीजें जो हमारी इकदार हमारी वैल्यू का हिस्सा होना चाहिए, और ये वो चीज होती है जो मुझे लगता है कि कहीं किसी तरीके से हमारी जो जनरेशन है उनमें भी ये ट्रांसफर हो रही होती है, मतलब मैंने जो अपनी फैमिली से जो अपनी वैल्यूज नॉर्म्स ली मुझे मेरी अपनी दादी अम्मा से मुझे अपनी वालदा से उन लोगों से ये मिला कि आप किस तरह से हैं, मतलब मैं किसी खातून को देखती हूँ वो अच्छी ड्रेसिंग में है तो मैं से कहती हूँ आप कितनी अच्छी लग रही हैं, जिस तरह मजहर साहब अभी बात कर रहे थे कि आप जो है इस तरह से बात कर देते हैं तो वो इस बात पे एक खुशी हो जाती है, और अगर जैसे अभी बहुत सारी हैं मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी फीमेल हैं मेल हैं जो मुझे भेजती हैं अपने आर्टिकल्स भेजती हैं खबरें भेजती हैं चीज़ें भेजती हैं, ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा काम जानती हूँ बहुत वो, मैं भी कई लोगों को अपना काम भेजती हूँ कि देख लें आप चेक कर लें, वो मुझे जब कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, और फिर जब कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आप समझते हैं कि उस काम में पुख्ता है उसका एक नाम है तो उससे और ज्यादा आपको भूल जाएगी बात में निकल जाएगी कि आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इतनी हिम्मत इतना हौसला और इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपको आपकी भी हौसला अफजाई कर सकें Exactly. तो बोल सके आपके सामने। अच्छा जब हम आप सीनियर की बात करें सीनियर का जो एक रोल होता है ना वो जिसको हम एक लीडरशिप का रोल भी कहते हैं, जाहिर है एक ऐसा
का रोल है, उसका मकसद ये कतन नहीं होता जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि आपने हुक्म देना है और उसने आपका हुक्म बजाना है। वालिदैन की तरह वो ऐसा नहीं है, आपने बल्कि उनको साथ लेके चलना है, एज आप किसी भी जगह पे हो, आप न्यूज रूम में बैठे हुए असाइनमेंट एडिटर के तौर पर, या अब जैसे मजहर साहब हैं, ये पोइट्री बहुत अच्छी करते हैं, मतलब जो हमारे पोइट हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे फनकार हैं, उनकी हौसला अफजाई। अब जैसे मैंने बचपन में सुना कि ये क्या है, ये गाने गाते हैं, ये यूं करते हैं, अब जैसे पिछले दिनों हमारे दफ्तर में इब्राहुल हक आए हुए थे, तो MBA किया हुआ है इब्राहुल हक ने इस तरह से, लेकिन वो गाना गाते थे असी ते जाना बिलो देगा, मतलब वो ऐसे लगता था कि ये जो लोग कुछ नहीं कर सकते, आम कम पढ़े लिखे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा जो फनकार हैं वो हमारा सरमाया है, हम उनसे महसूस तो होते हैं, लेकिन जब बात आती है इस तरह की रिस्पेक्ट देने की और उनकी हौसला अफजाई करने की, तो ये हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पाई जाती है। मैं एक ऐड करना चाहूंगा, मुझे मेरा ड्रामों का आगाज वो कराची से हुआ, मोइन अख्तर साहब के साथ, उमर जरीफ भाई के साथ, ठीक है, मैंने स्टेज भी की और बेशुमार ड्रामे टीवी के भी किए। मुझे याद है एक दफ़ा जमील फखरी साहब यहाँ गए हुए थे लाहौर से, और उस दिन शदीद बारिश हुई थी, और पता नहीं लोगों का मूड भी कुछ ऐसा था कि वो कुछ ज़रा ख़राब मूड में, पब्लिक ख़राब मूड में थी, ऐसे लग रहा था, क्योंकि वो लेट शुरू हुआ ड्रामा बारिश की वजह से। तो वो जमील फखरी जो ही स्टेज पर आए तो वोटिंग शुरू कर दी उन्होंने, उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा एक बारिश हुई है कराची में, कैसी कैसी चीज़ें निकल आई हैं, तालियां बजनी शुरू हो गई। उसके बाद जब पब्लिक की तालियां, अच्छा आर्टिस्ट जो होता है, स्टेज का आर्टिस्ट खासकर होता है, उसको जो ही रिस्पांस अच्छा मिलता है उसके बाद ऐसी रफ्तार पकड़ता है, ऐसी सारे, मैं मोइन भाई को देखा, आप अगर देखें वन मैन शो किसी कैमरे के आगे खड़ा कर दे तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर पब्लिक के सामने खड़ा करके करे, उसको जब बकअप मिलेगा, लोग तालियां बजाएंगे, वो और ज्यादा। मतलब साहब ये क्लैपिंग का कॉन्सेप्ट कहां से निकला? जी बिल्कुल, ये हौसला अफजाई है, ये हौसला अफजाई है, दो हाथों को आपस में, जी हाँ जी हाँ जी, एक हाथ से तो थप्पड़ी बजता है, दो हाथ से ताली बजती है, और फिर ये कॉन्सेप्ट इसलिए निकला कि उसकी हौसला अफजाई। अच्छा दूसरी बात मैं जो अहम यहाँ पे करना चाहूंगा मुशायरों की, मैं खुद चूंकि बेशुमार मुशायरे कराता भी हूँ, और इवन के डॉक्टर सादिया कमाल की मेहरबानी की उन्होंने मेरे कई प्रोग्रामों की कंपेयरिंग की, और अभी भी अनकरीब एक हमारे दोस्त सैयद आल इमरान नकवी मरहूम की याद में मैं एक रेफरेंस करवाने लगा नेशनल लाइब्रेरी में, उससे माशाल्लाह जी हम मुशायरा भी होगा उसमें, और उसको भी कलेक्ट करेंगे डॉक्टर साहब। क्या बात है, ये मेरे लिए एजाज की बात है, मेरी तंजीम का नाम भी कस्बे कमाल है, और ये तो है ही माशाल्लाह कमाल। तो उसमें ये है शायद भाई के मुशायरे में मैं समझता हूँ कि बात बड़े शोरा को मैंने देखा कि मूड बना के बैठे रहते हैं यूं करके भाई, लेकिन कुछ वो बड़े नहीं होते ना, जी जी मैं ये नहीं कहना वो बड़े नहीं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, जैसा भी है, बात ये काबिल एहतराम जरूर है, लेकिन हौसला अफजाई की बात चल रही है यहाँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ जैसे जलील अली साहब का मैं खुल के नाम लेता हूँ, वो बहुत बकअप करते हैं लोगों को, अच्छी दाद देते हैं, और इफ्तिखार आरिफ साहब भी अच्छी दाद हमेशा देते हैं, भाई अच्छा चेयर का भाई क्या कहने वाला। मैं कहता हूँ अगर कोई कमजोर शायर भी उसको ज्यादा दाद दें ताकि कल वो बेहतर काम कर सके, वो अच्छा शायर बन सके। देखिए जो अच्छा शायर है वो तो दाद ले लेता है, उसको तो मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, बहुत अच्छा पहले की बात है, मरूम नासिर जैदी, मैं मुनव्वर हाशमी, हम फतेह जंग एक मुशायरे में गए हुए। अच्छा हम चूंकि शहर से जब जाते हैं तो हमारा सारा मूड होता है कि हम शहर से गए हैं तो ये देहात है, तो वहाँ एक बाबा जी आए, उनकी बिल्कुल मैली सी दाढ़ी, खराब से बाल, चादर लपेटी हुई, तो वो जब उनको बुलाया गया कि मुझे अब उनका नाम याद नहीं आता, मैं मुझे बहुत अफसोस है, मैंने बाद में उन पर आर्टिकल लिखा था बहुत बड़ा, वो जब स्टेज पे आए तो हमने वो खास तवज्जो नहीं की, सच्ची मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं तो उस वक्त अब टू यंग, तो उन्होंने पहला शेर ही पढ़ा तो सारे चौंक गए, उन्होंने कहा कि मेरी आँखों में खुश्की रह गई है, समंदर का समंदर पी गया, वाला पड़ गया मुशायरे में। और फिर बाद में मैंने उनका देखे ना, उन्होंने दाद ले ली क्योंकि उनके पास कलाम अच्छा था, उन्होंने ले ली दाद, ये भी फन होता है, दाद लेना भी फन होता है, अच्छा जुमला लेना फन होता है। उसके बाद मैंने उन पर एक मजमून लिखा था, उन दिनों मैं रोजनामा हैदर में था, तो मैंने बस अब एक शेर अपना सुनाया कि अच्छा सा। हाँ जी मेरे मरूफ शेर जो मैं हर जगह सुनाता हूँ वो जरा पाक चीन अमरीका और दोस्ती को जरा ध्यान में रखिएगा कि लेकिन आपने फौरन अटैक किया तो वो जी मैं जी मुझे अभी याद आ जी, मेरे मारूफ शेर हैं वो तो बहुत हर जगह कई टीवी चैनलों पर और कई अखबारों में छप चुके हैं, और वो तो इसी तरह इस वक्त मुझे एक और जहन में आ रहा है, वो मैं सुना देता हूँ कि खाक किसकी उड़ाने वाले हो, खाक किसकी उड़ाने वाले हो, तुम तो बस्ती बसाने वाले हो,
मैं परिंदों की बात करता हूँ, तुम तो पिंजरे बनाने वाले हो। मैं परिंदों की बात करता हूँ। अच्छा, वो मुझे याद आ गई जी, मारूफ हो तो मेरे बहुत ही, उसने मुझे यकीन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मुझे बैन अलाक्वामी शोहरत दी दो मेरे अशआर ने, कि रास्ता पांव से निकल आया मैं तेरे गांव से निकल आया, रास्ता पांव से निकल आया मैं तेरे गांव से निकल आया, और मैंने सूरज से बात कर ली है मैं तेरी छांव से निकल आया। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत। अच्छा, मेरी हर गजल में एक नातिया शेर होता है, इसी के अंदर एक नातिया शेर वो मैं सुनाना चाहूंगा। ये इसादत बजोरे बाजू में अल्लाह का करम होता है, इसमें शेर है कि मैंने जंगल को बस पुकारा था, फूल शहरों से निकल आया। मैंने जंगल को बस पुकारा, फूल शहरों से मेरे नबी की जात शहरों से निकल आया। ये हमारा इतनी प्यारी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। कहा जाता है कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तहजीब याफ्ता लोग हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बड़े खूबसूरत इल्म के मोती हैं, इन्हें चुन लें, इन्हें समेट लें, बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं। डॉक्टर सादिया कमाल, बगैर कोई सवाल किए इसी से लिंक करके आप मजीद आगे बढ़ें। हौसला अफजाई का अगर हम उलट देखें तो दिल शिकनी आता है, और हमारे तमाम जो सूफिया कराम हैं, हमारे जो उलमा कराम हैं, उन सब ने जो तालीम दी है वो हमें एप्रिसिएशन की है। बेशक। और अक्सर सूफिया कराम का मैं बाबा फरीद मसूद शक्कर का कहूँ तो उनके दौर में एक हिंदू आया तो उसने लड्डू उठाए हुए थे, और आपने उसने जब कहा कि ये खा लें तो आपने वो सामने उठा के लड्डू जो है मुँह में डाल दिया, तो फिर आपके एक मुरीद बोला भाई आपको तो रोजा है इस तरह से, लेकिन चूंकि वो दिल शिकनी नहीं करना चाहता। क्या बात है, क्या बात है। एक और बंदे के जो किसी और मजहब का था, लेकिन हमारे यहाँ इधर जो चीजें हैं, हमारी सोसाइटी है उसमें जिस तरह से अदम बर्दाश्त है, हम रवादारी नहीं है, हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, एक दूसरे को मतलब इस तरह से बर्दाश्त नहीं करते, तो ये सब चीजें जो है आगे को अफरा तफरी और इंतशार का बाइस बन रही है। और हौसला अफजाई को अगर हम साथ में रखें कि छोटी छोटी चीज़ों में आर्टिस्ट की बात की, असातिज़ा की, मुख्तलिफ जो तमाम दफातर हैं उनकी, इवन के अगर ख़वातीन दफ्तरों में काम करती हैं, हर एक का जो माहौल और जो बैकग्राउंड होता है वो एक जैसा नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। जैसे अगर आप मेरी मिसाल लें तो मैं एक रिमोट एरिया से आई थी, मेरी वो तालीम, मेरा वो वीएन नहीं होगा जहाँ से मैं चाहे मास्टर्स भी करके यूनिवर्सिटी से आई, तो आपने उसको स्पेस देना होती है, साथ में हौसला अफजाई करना होती है। लेकिन देखें, आपने बात की कि आपका वो वीएन नहीं होगा, लेकिन जो आपकी रवायात है जी, वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी जी। वैल्यूज और नॉर्म्स ठीक हैं, लेकिन मुझे तो उस तरह से पॉलिश होना है, मुझे वो चीजें सीखनी है जो बढ़ती हुई एक दौड़ है, मुझे उसका अगर हिस्सा बनना है, और मुझे वहीं पे स्नप कर दिया जाता है। मैं कोई काम करती हूँ उठा के, ये तुम्हारा नहीं है इस काबिल के ये काम हम दे सके, तो उससे मेरी हौसला, मेरी हौसला शिकनी होगी। बिल्कुल। और मैं उस तरह से, और वो हौसला शिकनी जो है वो आपकी जात में भी और उसके अलावा भी, अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, इकोनॉमिकली इस तरह से कुछ कर रही हैं, ये जो हौसला शिकनी है ये कई ज्यादा बड़े हादसात का सबब बन जाती हैं कि आपने उसकी हौसला शिकनी की जी। बिल्कुल। और उससे चीजें जो हैं बुराइयां हों, और जो दूसरी हम देखते हैं कि जो नाकामियां हैं वो उसको जन्म देती हैं, तो हौसला अफजाई जो है वो सिर्फ ये नहीं बल्कि हमें अपने जो कमजोर तबका है उसकी हौसला अफजाई यहाँ पे ज्यादा करनी है। सादिया कमाल ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि जो जो शख्स यहाँ पे किसी की हौसला शिकनी कर रहा है वो गुनाह कबीरा भी कर रहा है, उसकी वजह से अगर कोई भी शख्स किसी बुरे रास्ते पे चलता है वो पागल हो जाता है, वो ज़हनी मरीज बन जाता है, सारे का सारा उसका मलबा उस पे आएगा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, मीना साहब, मैं गुनाह कभी इसलिए नहीं कहूंगी कि वो एक फतवा लग जाता है, तो मैं इसमें नहीं कहूंगी। हाँ, ये मैं ये कहूंगी कि अगर हम कहते हैं कि इंसानियत का अलमबरदार होना या इंसानियत की इस तरह से जो भी मतलब जो काम है इंसानियत पे आप उसका ना करना। अच्छा, हौसला अफजाई की सबसे ज्यादा किसको जरूरत है? हमें ये लगता है कि बच्चों को बहुत जरूरत है, और मुझे भी लगता है। जब मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं बच्ची थी और कोई काम करती थी जो अच्छा काम करती थी, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, तो वो एप्रिसिएशन ना मिलना भी आप में, आप मतलब उस पर रोते हो और आप उस तरह से आगे काम भी नहीं कर पाते हो, तो ये हर जगह पे इसकी जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप जैसे ही हौसला अफजाई करेंगे आप देख ले जाके उस काम का रिजल्ट ही बिल्कुल उलट हो जाएगा। मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर साहब ये कमाल को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारी एंकर है, बड़ी अच्छी एंकर है, बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट है पीटीवी की हमारी, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं छोटी थी तो मेरा रंग जरा सांवला था, तो मेरे चाचा मुझे पक्का कालो कह के पुकारते थे, और मैं इस एड्रेस में रही कई साल कि मैं कालो हूँ,
मैं मतलब कोरी चिट्टी नहीं हूँ बाकियों की तरह, लेकिन जब उसकी एजुकेशन हुई, जब उसने मास्टर वास्टर सारा कुछ पढ़ा, तो फिर ऐसा ऐसा उसके अंदर से वो चीज़, लेकिन कहती बहुत टाइम लगा उस चीज़ को डिल्यूट करने में। ठीक है, तो अगर वो उसको प्यार से कहता है कि तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन अभी मैम मुझे कह रही है कि ये फतवा लग जाएगा। भाई फतवा क्यों लगेगा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक घर का इतना बड़ा जो है वो, मैं समझ रहा हूँ जो वो बात रोक रही है वो ठीक कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि घर का इतना बड़ा शख्स जो उसको आप कह रही हैं कुछ चचा है ताया है कुछ है, वो उसको कालो कह रहे हैं, अगर देखें तो अल्लाह ताला की जात ऊपर बैठी देख रही है, और वो देखें कालो आज कहाँ है, आज कहाँ है वो चाचा बनी कहाँ। समटाइम ये होता है कि आप मजाक में भी किसी बच्चों को छेड़ रही होती हैं, जैसे अब आपने कालो कहा, मतलब मेरा नाम इस तरह से रखा गया क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन थी, मतलब आपने जो वाक्य सुनाया, मेरे तो कई नाम इस तरह से रखे गए कि जो वो एक और प्यार से नाम रखे जब आप प्यार से तो क्रिटिसिज्म लगता है, क्योंकि आपके लेवल पे अगर आपकी बड़ी बहन है और उसका रंग गोरा है या छोटी है या बहन भाई है, तो वो आपको दूसरे से कमतर जो है ना उसमें, तो वो हौसला अफजाई जो होती है वो कई लोगों के, आप ये देखें कि कई कई चीजें ऐसी होती हैं कि समझ ही नहीं आ रही होती लोगों को, जब काबिलियत मिलती है या उनकी तकदीर पलटती है तो पता ही नहीं चलता कि कई ऐसे लोग हैं जो आगे आके बैठे हुए होते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको छोटी सी बात बताता चलूं और आपको बताऊं कि मुझे किसी ने बताया, मैंने सुना नहीं है, कारी वही जफर कासमी साहब जो हैं बहुत मारूफ नात खान हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, अच्छा आवाज़ है उनकी, बहुत खूबसूरत नातें पढ़ते हैं। वो बताते हैं जी कि मुझे शुरू शुरू में ना सारे लोग अपने जो फैमिली के लोग थे वो इसी तरह कुछ रंगत भी इस तरह थी कि तो मुझे पसंद नहीं करते थे ज़्यादा, और हो सकता है वो जैसे आप कह रही हैं कि मजाक के तौर पे कह रहे हूँ, लेकिन कहते थे ऐसा कुछ। लेकिन जब से मैं नात पढ़ना शुरू हुआ, नबी की मैंने अल्लाह ताला के कलाम पढ़ा, नबी का कलाम पढ़ा, तो फिर लोगों ने वही हाथ मेरे चूमे। साहब हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो सऊद एक्टर हैं, ये उनके सगे चाचा हैं। क्या बात है, और सऊद खुद बड़ी अच्छी नात पढ़ता है और तलावत बहुत अच्छी करता है माशाल्लाह। और वो आपसे कुरान तो नहीं, उसने चंद से बारे उसको याद थे, लेकिन बहुत अच्छी, उसकी मिसेज जो है जवेरिया नाम है शायद उनका, क्या नाम, वो बहुत अच्छी नात पढ़ती, वो थी नात खान। आप इसे इसको इख्तिताम पज़ीर करते हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे, कोई खूबसूरत सा पैगाम इस कौम के लिए, और छोटा सा ना हो थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा बड़ा करके उसको, ताकि हमें पता चले, जाते जाते अपनी बात भी मुकम्मल कर दें और पैगाम भी दे दें। देखें, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि मुस्कुरा के बात करने पे पैसे नहीं लगते। ठीक है, आप साथी बड़ी अच्छी बात की, जैसे अमेरिका में है कि वो थैंक यू शुक्रिया और इगातो बोल दें, आपको कोई पानी का गिलास दे रहा है आप उसको थैंक यू बोल दें, आपको अपना बच्चा अपनी बेटी अगर आपको पानी दे रही थैंक यू बोल दें वो खुश हो जाएगा। तो कह दिया करें कि आप बहुत अच्छे मेरे बच्चे हो, आप देखो जब मैं पानी मांगता हूँ आप ले आते हो, छोटी छोटी बातें, छोटी आप अपनी आदत बनाएंगे तो यही आदत आपके साथ आगे चलेगी। बात आपने की, एक तरफ तो ये एक आजजी है अगर आप किसी को कहते हैं यार कि हाँ जी इज्जत भी आता है, तरफ ये है कि उसकी हौसला अफजाई भी, हौसला अफजाई भी हो जाती है, अल्लाह आपके अंदर इज्जत आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, फिर आप जाके मलक महराज खालक बनते हैं। एक दिन में नहीं बनता, अब्दुस्सारिदी भी एक दिन में नहीं बनता। जब हमारे दोस्त थे अब्दुस्सारिदी बहुत अच्छे, महराज खालक साहब भी मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मुझे जब अब्दुस्सारिदी साहब का इंतकाल हुआ तो यहाँ हमने एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया था मुशायरा, मैंने एक आज मुझे याद आ गया एक शेर उनके उनके लिए जो मैंने कहा था, और वो शेर इतना ज़बान ज़द आम हुआ था कि आसमां अब तुझे मुबारक हो एक आसमां अब तुझे मुबारक हो एक फरिश्ता जमीन ही भेजा है। हमेशा ऊपर से आते थे ना, जब हम फरिश्ता भेज क्या बात है। नाज़रीन बड़ी मजे की बात की मज़हर साहब ने कि इसको एक शेर में बयान करना चाहूंगा कि जो आला बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी बात आपने जाते जाते कर दी सादिया कमाल। मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा है मीना साहब के पब्लिक आई टीवी ने हौसला अफजाई पे बात की, हम ना हौसला अफजाई करते हैं ना हौसला अफजाई पे बात करते हैं ना सुनना पसंद करते हैं, ये हमारा इस तरह से इशू ही नहीं है। हमें हकीकत को तस्लीम करना होगा, हमें ये मान लेना चाहिए कि जो दूसरा है उसकी सलाहियत है, हमें इस हकीकत का खुले दिल से एतराफ करना होगा, हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई हर सतह पर हर लेवल पर करनी होगी। चाहे अभी हमने देखा कि ईदी
साहब की बात की इन्होंने, ईदी साहब ने, आपने देखा कि एक बच्ची को मंदिर बनवा के दिया था, ये क्या था? हमारे यहाँ मिनोरिटीज को जो राइट्स दिए गए हैं उनकी हौसला अफजाई थी जो उन्होंने की है, हमारे लिए तो वो अलामती तौर पर रोल मॉडल है हमारे लिए। क्या बात है। हमारी जो हुकूमतें हैं जो तनकीद का करते हैं, अभी जो पैंडेमिक हमारा अभी तो चल रहा है, आपने इस कोरोना में देखा कि किस तरह से सिंध गवर्नमेंट में काम हुआ, फिर उस पर तनकीद आई। मेरे ख्याल में जो अच्छा काम हो उसकी हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, हमारी अपोजिशन है या हमारी हुकूमतें हैं, हर एक चीज पे इस तरह से आप लोगों को पॉलिटिकली नहीं बनाना, अपना अपने स्टंट के तौर पे उसको इस्तेमाल नहीं करना। आपने उसमें हौसला अफजाई एक दूसरे की अगर आप कर दें लोगों के सामने भी, अक्सर टॉक शोज में तो आप ब्रेक में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और जैसे ही आप लोगों के सामने आते हैं लड़ना भिड़ना शुरू हो जाते हैं, तो बजाय इसके आप लोगों को भी आप लोगों को भी ये मैसेज दें, हौसला अफजाई करें लोगों की, तो ये बहुत जरूरी है। खासतौर पर मैं कमजोर तबका बच्चों की बात करूंगी, बच्चों पे वालदैन बहुत ज्यादा तवज्जो दें, असातिज़ा अगर एक क्लास में पढ़ा रहे हैं वो भी देखें बच्चों को किस तरह से हम उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा कमजोर तबका ट्रांसजेंडर है, इस वक्त मैं देख रही थी एक ट्रांसजेंडर नाम इस वक्त मेरे साथ रास्ते में भी है, नहीं आ रहा, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तकरीर की है पाकिस्तान के लिए। एक ट्रांसजेंडर जो है इस वक्त पंजाब में पिंडी में पाकिस्तान की मतलब हमारे इधर पहली खातून जो ट्रांसजेंडर है वो यहाँ पर पुलिस में तैनात हुई है। तो अब मतलब ये चीजें हमें एक्नॉलेज करनी है, हमें उन्हें साथ लेके चलना है, उन्हें जिस तरह से वो खुद उन्होंने अपने लिए नहीं चुना कि वो ट्रांसजेंडर हो, तो हमें उनको अपने माशरे में बराबरी का मकाम देना है, उन पे हमने तालियां नहीं बजानी, हमने उन पे ठट्टे मखौल नहीं करने, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो होते हैं डिसेबल बच्चे होते हैं, उन डिसेबल बच्चों पे हमने इस तरह से हंसना नहीं है, कमजोर बच्चे हों, शक्ल में कम हो, सलाहियत में कम हो, हमें उन सब लोगों की हर कमजोर की हौसला अफजाई करनी है, प्यार करना चाहिए, आर्टिस्ट हो फनकार हो सबकी, जब हम और हमें जूनियर सीनियर की करेंगे हौसला अफजाई, ये नहीं है जूनियर भी सीनियर की करता है, सीनियर जब अपनी तमाम जो चीजें जो है, अब हमारे यहाँ हमारे सीनियर हैं इस वक्त हमारे दफ्तर में, उन्होंने अभी कश्मीर डे गुजरा है, कश्मीर के बाद हुकूमत की दो साल परफॉर्मेंस आ रही है जो एक होता है आपका तरीके का, अब हम भी जब सीनियर को ये कहते हैं सर आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, आप जो चीजें हमें दे रहे हैं उससे उनके भी हौसला अफजाई है, ये नहीं है कि जब आप पावर में ऊपर होते हैं तो ये पावर में मतलब आपके पास पावर है और आप स्टेटस है, लेकिन हर एक लेवल पे हर जगह पर है, और हम ये देख लें ये जिंदगी में अगर इसको शार बना लें हौसला अफजाई घर में मियां बीवी बड़े बुजुर्ग और जो छोटे हैं वो बुजुर्गों की सब करेंगे, जिस तरह मजहर साहब ने बात की, तो मैं समझती हूँ जिंदगी में अगर इस चीज को हम बना लें, और हमारे जो नबी पाक हैं उन्होंने भी इसी तरह से किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हों उनकी बेटी हों किस तरह से मतलब हौसला अफजाई, वो इवन के वो तो हिंदुओं के साथ भी आप देखें कि किस तरह से होते थे, कभी इस तरह से नहीं होता था कि उनके पास अगर फरिश्ता भी आ जाए पहाड़ गिरा दें तो वो नहीं होता था, उनकी हौसला अफजाई कि हमारे हुस्ने अखलाक से लोग आए, हम किसी के ऊपर जबर ना करें, जो बूढ़ी खातून आपके ऊपर हो जी। अच्छा यहाँ एक बड़ी अच्छी बीच में डॉक्टर साहब ने बात की कश्मीर के हवाले से, इस वक्त जो कश्मीर की तहरीक है जो वानी साहब के शहादत के बाद शुरू हुई, उसमें जोर क्यों आता है हमारे पाकिस्तान की हौसला अफजाई की वजह से? हम जब झंडे लेकर रोडों पे निकलते हैं उनको एक हौसला मिलता है कि हमारे साथ कोई है, इमरान खान बकौल में जाके शोर मचाता है उसकी वजह से उनको हिम्मत मिलती है, ये नए नक्शे बना के दिखाता है टीवी पर उसे उनकी हौसला अफजाई होती है, ये क्या है? इस हौसला अफजाई की वजह से जो हमारी हुकूमत और हमारी आवाम, आज मैंने देखा आ रहा था रोड पे पाकिस्तान के झंडों के साथ कश्मीर के झंडे भी भेज रहे हैं लोग जगह जगह, क्यों? ये उनके लिए हम उनके हमारे भाई हैं, हम उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं उनकी कि भाई हम आपके साथ हैं, हर मुसीबत की घड़ी में आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला, और मैं आपको एक और मेरा दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह ताला अगला 14 अगस्त हम मकबूजा कश्मीर में मनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत खूबसूरत श्रीनगर में डॉक्टर सादिया और मैं प्रोग्राम कर रहे होंगे। डॉक्टर सादिया कमाल की बातों का लुबे लबाब ये था जी कि हमें दूसरों की सलाहियतों को मानना होगा, हमें उन्हें तस्लीम करना होगा, और जब आप उन्हें तस्लीम करेंगे तो अल्लाह की ज़ात भी आपसे खुश होगी और आपकी सलाहियतों के अंदर भी निखार आएगा। और मदर शहजाद साहब ने जाते जाते बहुत खूबसूरत इल्म के मोती हमारी झोली में डाले कि आप मुस्कुराना शुरू कर दें, जब आप मुस्कुराएंगे तो इंशाल्लाह सारी धरती मुस्कुराएगी, सारी
दुनिया मुस्कुराएगी। बजाते जाते बस इतना कहूंगा कि आती सदियों के लिए सुर्खी ए खूने दिल से, आओ वक्त की पेशानी पे कुछ तहरीर। अल्लाह हाफिज़।